लेकिन सबसे पहले स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आप ही के पास आते हुए, जब लगातार सरकार ये कह रही है कि सीएए कानून नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का, नागरिकता जाने का ये कानून नहीं है, तो फिर ये भ्रम, ये डर की स्थिति में टीएमसी खुद है या लोगों के बीच इसको फैलाने की कोशिश कर रही है? देखिए, सरकार अपने सारे वादों पर फेल हो चुकी है। सरकार के पास में सच्चाई बयान करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। सरकार को जब बॉन्ड के बारे में पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कल जाकर के जब थप्पड़ पड़ी है तब ये जवाब दिया है। तो सरकार नोटबंदी के मुद्दे पर भी ऐसे ही इन्होंने नोटबंदी लेकर के आए और अचानक से फैसला लिया। लास्ट में नोटबंदी आज के डेट में पूरे भारत की सबसे फेल अर्थव्यवस्था को खराब करने में, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए नोटबंदी को माना जाता है। मगर अभी ये सीए क्यों लेकर के आए, ये आपको सोचना है। ये चुनावी जुमला जो छोड़ा गया है, इससे कितने लोगों को आप देंगे? आपके पास भी कुछ डाटा है? कितने लोगों को आप सिटीजनशिप देंगे? कोई डाटा नहीं है। आपने जो कुछ भी क्लियरिटी नहीं है, आप सोचिए, अगर मैं इस देश के अंदर में बांग्लादेश से आया हूं या पाकिस्तान से आया हूं, किसी भी देश से आया हूं, अगर मेरे पास में, अगर मैं आज उसमें इनरोल करता हूं तो मैं आज इस देश का नागरिक नहीं रहता हूं, नंबर वन। जबकि मैं इसमें, मेरे पास वोटर कार्ड है, मेरे पास आधार कार्ड है, जो कि ऑलरेडी मेरे पास एक प्रूफ है, मगर जिस समय मैं उस पे अपना इनरोलमेंट करूंगा उसी समय मैं इस देश की नागरिकता नहीं रहेगी मेरी, चाहे अगर कोई नौकरी है सरकारी, चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी के, तो बंगाल के अंदर में एमएलए एमपी भी है जो मतुआ समाज, तो वो लोग भी है, ऐसे लोग हैं जो तो वो लोग कहां जाए, वो जिस समय में अगर अपना इनरोलमेंट करेंगे वो रहेंगे नहीं। बहुत सी बातें हैं जिसमें क्लियरिटी नहीं है। रही बात, आप बात करते हैं देश की, म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है उसकी बात नहीं करते, मगर आप अफगानिस्तान की बात करते हैं, आप श्रीलंका की बात नहीं करते हैं। अगर आपको हिंदुओं को लाना है तो मुझे जवाब दीजिए, 14 लाख से ज्यादा हिंदू आसाम के डिटेंशन सेंटर में आज भी बंद पड़े हैं सालों से। एक भी व्यक्ति अगर देश के अंदर में, जो कानून आता है, कानून किसके लिए होता है? देश की जनता को अच्छाई के लिए होता है, मगर देश की एक भी जनता, एक भी व्यक्ति के ऊपर में अगर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, कुप्रभाव पड़ता है, तो उसको हम लोग विरोध, अच्छा कानून लाइए ना, कौन मना करता है? अच्छे काम में हम आपको सपोर्ट करेंगे, मगर आपको तो ऐसा ही काम करना है जिससे विभाजनकारी, कौन से अच्छे कानून में पुरोहित जी सपोर्ट किया आपने केंद्र सरकार को? कौन सा अच्छा कानून लाने की तैयारी जब केंद्र की तरफ से हुई तो आप लोगों ने सपोर्ट किया और विरोध नहीं किया? मेरी बात सुनिए, हाँ, अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, मतलब कोई इन्होंने अच्छा काम किया ही नहीं, अच्छा काम करे पिछले 10 सालों में कोई अच्छा काम नहीं किया ये काम अच्छा, आप बताइए, पॉलिसी की बात करिए आप मेरे से, हाँ, काम की बात नहीं। काम तो जो भी सरकारें आती रहेगी करते रहेंगे। मनमोहन सिंह ने जो 2009 में जो काम हुआ उसका उद्घाटन मोदी जी आज तक कर रहे हैं, हाँ, तो वो सब बात छोड़, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने तो सीए की बात की थी सर, सुनिए, मनमोहन सिंह जी ने सीए की बात की थी बाकायदा, और इसको सपोर्ट उनकी तरफ से किया गया था और उनकी बाकायदा बाइट है सर, ये खुद उन्होंने मनमोहन सिंह जी ने कहा था। आज कांग्रेस खिलाफत करती है, टीएमसी खिलाफत करती है, मैं ये क्यों ना पूछूं कि टीएमसी खिलाफत क्यों कर रही है, क्यों रोहिंग्याओं से, रोहिंग्याओं को बसाने की आपको और उनकी चिंता बहुत ज्यादा, इसीलिए खिलाफत कर रहे हैं कि आप लोग सीए का, आप पकड़ के डालिए ना। आप मेरी बात सुनिए, देश के अंदर यूनाइटेड नेशंस भी बोलता है कि आप धर्म के आधार पर विभाजन नहीं कर सकते हैं, आप धर्म के आधार पर किसी को सिटीजनशिप भी नहीं दे सकते हैं। भारत जो बना था कि धर्म के आधार पर भारत का नहीं बना है, 1947 में आप जाइए, 71 में जाइए, जब भी वहां पे बांग्लादेश या पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ, जिनको भारत में रहना था वो भारत में आए और रहे। आज भारत की आबादी 140 करोड़ है, वही जनता मोदी जी को, आप कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर नागरिकता देने की कोशिश की जा रही है और एक समूह को इससे नुकसान होगा, एक धर्म को इससे नुकसान होगा, ये क्लियर है ना आपके हिसाब से? धनंजय गिरी जी, खाका क्या है ये बताइए, क्यों विपक्ष तैयार नहीं है, क्यों इसको लेकर राज्यों में विरोध हो रहा है, कैसे होगा? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इतने लोगों को आप ले आएंगे तो यहाँ की रिसोर्सेज जो कि यहाँ के लोगों के लिए ही कम पड़ती हैं, आप यहाँ के लोगों पर और भार डाल देंगे, कहेंगे कि आप इनको भी हम रखेंगे, कैसे होगा धनंजय गिरी जी? पूर्णिमा जी, टीएमसी का ये तेवर पुराना और इनका धंधा रोहिंग्या को लाकर बसाना, रोहिंग्या बसते चले जाए और इनके वोटर बनते चले जाए, ये इनका पुराना धंधा है और इनको दर्द भी इसी बात का है। एक धर्म विशेष के लिए जो इनका दिल धड़क धड़क कर रहा है, वो एक धर्म विशेष के लिए धड़क रहा है,
बाकी इनको कोई समस्या नहीं है और ये कह रहे हैं धर्म के आधार पर, अरे भाई आप स्कूल गए हैं कि नहीं, मनोहर पोथी पढ़ी है कि नहीं, क्लास में गए कि नहीं, 1947 में देश का बंटवारा धर्म के आधार पर ही हुआ था, ये क्लियर कट धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। उसके बाद जो बांग्लादेश बना तो किस आधार पर बना, पाकिस्तान से अलग किस आधार पर हुआ, कैसा क्या आधार पर हुआ, पढ़िए दो चार बार डिक्शनरी पढ़िए। अगर इतनी भी आपको स्वयं प्रकाश जी प्लीज स्पीक एट योर ओन टाइम, प्लीज स्पीक एट योर ओन। नहीं ठीक है, आप गलत बयान दे रहे हैं जेंटलमैन, आपने मेरी पार्टी से उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन कम से कम पैनल और चैनल पर तो कम से कम ये उम्मीद दिखाइए। कांग्रेस पार्टी कह रही है, छोड़ दीजिए दूसरे को, जो कांग्रेस आपके साथ अलायंस में कह रही है कि बंगाल को दीदी ने बर्बाद कर दिया, और ये नेता विपक्ष कर रहे दीदी ने जो बंगाल को जो पीड़ा दी है, जो बंगाल को आपने दंश दिया है, ये कोई और नहीं कह रहा है, ये नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी कर रही है। और दूसरी बात, आप क्या दिखाएंगे, दिखाने और छुपाने के लिए कुछ है आपके पास? आपने बंगाल का क्या हासिल किया है? और 70,000 केसेस हुए थे, 7,000 महिलाओं का उत्पीड़न किया था आपके चुनाव के बाद। बंगाल के जो मृतकों को बताने के लिए जिम्मेदार तृणमूल कांग्रेस, ये तृणमूल कांग्रेस की जनता की जनता का जो बुरा हाल आपने किया है, उसके लिए आपका जिम्मेदार नहीं है। आपका क्लियर है, आपका एजेंडा क्लियर है, आपकी सोच क्लियर है, आपकी मानसिकता क्लियर, लेकिन धनंजय गिरी जी लेकिन आरोप तो यही लग रहे हैं ना कि बीजेपी के लिए सीधे सीधे वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, जिनको लेकर आएगी, जिनको नागरिकता देगी, उनका वोट बैंक सीधे सीधे बढ़ जाएगा, और ये आपकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। मैं कहती हूँ कि तकनीकी तौर पर आप बिल्कुल ठीक है। गिरी जी मैं कुछ पेपर्स आपको भी दिखा रही हूँ, पुरोहित जी को भी दिखा रही हूँ, और कुछ मामलों में टेक्निकली आप पूरी तरीके से सही हैं, क्योंकि ये जो सेवेंथ शेड्यूल है आर्टिकल 246 के तहत संविधान का, जरा इसको पुरोहित जी आप भी देखिएगा, इसमें यूनियन लिस्ट है, यानी कि केंद्र के पास किन किन चीजों को लेकर कानून बनाने का अधिकार है, और इसमें नंबर 17 पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है सिटीजनशिप, बहुत क्लियरली सिटीजनशिप लिखा हुआ है, यानी कि नागरिकता को लेकर अगर कोई कानून बना सकता है, सुनिए पुरोहित जी, तो फिर वो केंद्र सरकार बना सकती है। तो राज्यों में विरोध करके मैं ये क्यों ना कहूं कि सीधे सीधे आप लोग अपनी राजनीति चमका रहे, क्योंकि आपके पास अधिकार है नहीं सर, अधिकार है यूनियन के पास, केंद्र के पास, तो फिर क्या कह रहे हैं? नहीं, कैसे करेगा सर? ममता बनर्जी कह रही है कि मैं किसी भी हाल में बंगाल में इसको लागू नहीं होने दूंगी, कैसे कीजिएगा सर? जिस निर्ममता से बंगाल को आर्टिकल 14 बोलता है, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्विटी बिफोर द लॉ, बंगाल के इलेक्शन पर भारी पड़ रही है, बंगाल के बासिंदों पर, भद्र पुरुषों का प्रदेश आज भाड़े के आए हुए भद्र पुरुषों की चिंता सुनिए, आज जो भद्र मचा रखे हैं, आप भद्र जन बंगाल का आज त्राहि त्राहि कर रहा है। अरे ये सब बात में क्या नहीं जानी है, क्या इसमें क्या वही को भी अपना नाम बदलना पड़ेगा, अगर बंगाल में रहना है तो इनको भी अपना नाम और धर्म बदलना पड़ेगा। बंगाल की वो दुर्दशा कर रखी है ममता बनर्जी ने, आपका सब कोई देख रहा है और सब कोई जानता है, भाजपा नहीं कर रही है, ये तो खुद कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीरेंद्र चौधरी कर रहे हैं, जो दुर्दशा इन्होंने की है। आपको रोकूंगी जरा, जी आपको रोकूंगी, लेकिन लेकिन पुरोहित जी सीधे सीधे जिस तरीके का विरोध इस वक्त बंगाल में ममता बनर्जी कर रही हैं, आप कर रहे हैं, वो क्लियरली इंडिकेट करता है क्योंकि आप पॉलिटिक्स इस पर करना चाहते हैं, आप क्लियरली इस पर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है ना सर, संवैधानिक अधिकार नहीं है।